महू से 30 किलोमीटर दूर बाईग्राम में झोला छाप डॉक्टर के इलाज के बाद एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत हो गई है। तीसरा बेटा भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। घटना के बाद से डॉक्टर फरार है। स्वास्थ्य विभाग ने बाईग्राम स्थित उसका क्लिनिक सील कर दिया है। सिटी बस में काम करने वाले राहुल गाडगे के बड़े बेटे शिवांश उम्र 5 वर्ष को 2-3 दिन से बुखार आ रहा है। इलाज झोला छाप डॉक्टर बाल मुकुंद सिलवाड़िया के क्लिनिक पर चल रहा था। मंगलवार को शिवांश के भाई युवराज, जिसकी उम्र 2.5 साल थी, और नैतिक, जिसकी उम्र भी 2.5 साल थी, को बुखार आ गया। पिता राहुल ने तीनों बेटों को डॉक्टर बाल मुकुंद सिलवाड़िया से दवा दिलाई। मंगलवार की रात ही 2 बजे शिवांश की तबीयत बिगड़ने पर परिजन तीनों बेटों को लेकर बड़वाह ले गए। सरकारी अस्पताल में शिवांश को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिजन MBH और फिर चाचा नेहरू अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने युवराज को मृत बता दिया और नैतिक को गंभीर अवस्था में भर्ती किया। युवराज और नैतिक जुड़वा भाई हैं। इधर राहुल की पत्नी और मां की तबीयत भी खराब हो गई है। दोनों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इंदौर CMHO डॉक्टर BS सत्या का कहना है कि मौके पर जाकर जांच करवाई गई है। रिपोर्ट आने पर बच्चों की मौत का कारण पता चल सकेगा। इसके साथ ही बाईग्राम और आसपास के गांव में लार्वा सर्वे और जिन्हें बुखार आया है उनका सैंपल लिया जाएगा। मेरे ऊपर आ रहे हैं, मैं इनके ऊपर आ ही नहीं रहा, मैं बेसिकली सिस्टम के ऊपर जा रहा हूँ। सामान तो आए, हम लोग तो लिख के दे चुके, हम तो वहाँ अभी सेंट्रल में बिल्डिंग में वो वेटनरी उसमें लगा रहे हैं। एक कमरा छोटा सा दे रखा है वेटनरी में, अब बिल्डिंग में हम भी क्या करेंगे, आयरन हम लोग वहाँ लिटा के लगा रहे हैं। देखो आप चलते